नंबर 17, आजाद हिंद फौज के संस्थापक एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज करनाल के कमेटी चौक स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर कांग्रेस सेवा दल की ओर से पहुंचकर माल्यार्पण किया गया एवं उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल के प्रधान जोगिंदर चौहान ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश की आजादी में अहम योगदान था, जिसके पराक्रम से ही आज हम आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस सेवा दल की ओर से पूरे देश में जगह जगह पर उनकी याद में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है एवं उनके द्वारा देश की आजादी में दी गई कुर्बानी को याद किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज करनाल में भी कांग्रेस सेवा दल की ओर से कमेटी चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण किया गया एवं उनकी शहादत को याद किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी युवा दल से जुड़े नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज सुभाष चंद्र बोस जो हमारे कांग्रेस के दो बार अध्यक्ष भी रहे हैं और जिन्होंने देश की आज़ादी में विशेष रोल अदा किया है, देश यदि याद होया यदि अंग्रेजी हाथ से छोड़ कर भाग्य तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो जय हिंद फौज बनाई थी उससे डर का भाग्य है। उन्हें देख लिया था कि आप जब ये फौज बना कर चलने लगे हैं देश के अंदर आज़ादी की लड़ाई 1947 के अंदर स्थापित कर दिया तो देश आजाद कर दिया था और भारत सरकार हिंदुस्तान आजाद का नेम भी दर्द थी। वे सुभाष चंद्र बोस जी हमेशा संघर्ष मरे हैं और उन्होंने हमेशा ये कहा है कि जब तक इनसे हम लोहा नहीं लेंगे, जब तक हम इनको आगे से इनकी भाषा में जवाब नहीं देंगे, जब तक ये देश नहीं छोड़ेंगे। आज़ादी लेनी है तो गर्म दल की तरह महात्मा सुभाष चंद्र बोस जी के विचारों पर चल के ही आज़ादी मिल सकती है। और सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी को यदि पढ़ के देखें तो वास्तव में एक क्रांतिकारी और महान नेता जो इस सृष्टि में सदियों में एक हाथ बार आते हैं वे थे सुभाष चंद्र बोस जी। कौन सी जयंती मनाई जा रही है आज? 125वीं जयंती है और इस जो विशेष तौर पर जो ICS उस समय होया करती थी जिसको कोई भी छोड़ना नहीं चाहा करता था, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए वो भी छोड़ देती है, क्या था कि मैं तो अपनी देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करूँगा। ये सिर्फ अंग्रेजों को दिखाने के लिए करे था कि यहाँ पर कोई दिमाग कम नहीं है हिंदुस्तानी, उनकी बड़ी तो बड़ी सर्विस में भी सबसे नंबर एक पर सिलेक्ट हो सकता है। कांग्रेस कार्यकर्ता तो सारे देश भर में मनाई जा रही है जयंती, पूरे देश में हर जिले वाइज मनाई जा रही है। मैं कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष से बदल को करनाल से संतोष तेजाल पूरे देशवासियों को 125वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ और अमर रहे सुभाष चंद्र बोस जी, अमर रहे यही मनोकामनाएं करती हूँ। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हमारे लिए टाइम निकालते हो पत्रकार बंधु जो इतना मतलब के बिना किसी लालच के भाग दौड़ करते हो, तो किसानों के लिए थोड़ी सी दुआ करो और किसानों के लिए थोड़ा दिखाओ, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं इतने दिनों लिए वहाँ पर तो उनके लिए इनकी आंखें खोले इनके कान पर जूम नहीं रेंगती, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि किसानों भाइयों के लिए आप कुछ करें और सरकार की आंख बंद हो रही है, इतने हमारे जो किसान सड़कों पर शहीद हो गए तो आज भी किसान की आंख नहीं खुली, किसी परिवार के घर किसी मुखिया का ख़त्म होना, किसी का मैन आदमी का ख़त्म होना, किसी का अकेला बेटा जवान शहीद होना, तो क्या हमारे मुख्यमंत्री हैं जो ये मुख्यमंत्री जी मोदी जी, मैं इनसे माननीय मुख्यमंत्री जी से एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या आज इनकी आंख नहीं खुली, इनके कान पर जूं नहीं रखी, हमारे जो किसान भाई हैं देश की रीढ़ की हड्डी है आज वो शहीद होने लग रहे सड़क पर पड़े हैं, क्या उनके बारे में इनको सोचने का टाइम नहीं मिला? एक किसी के घर बच्चा होता है हमारा चौकीदार पता लेने जाता है देश का चौकीदार बना, कहता था ना मैं देश का चौकीदार हूँ, देश के चौकीदार ने आज देश बेच दिया, तो किसान को भी बेचने पर तुला है, किसान मजदूर आड़ती भाई बिजनेसमैन सभी परेशान हैं, इन्होंने एक आम आदमी की कमर तोड़ दी मोदी सरकार ने, अगर इनको राजनीति नहीं करने आती तो इस्तीफा दे देना, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? एक किसान भाई की आवाज़ नहीं इनके कान पर जा रही, अगर किसान भाई आज काम करना बंद कर दे तो देश भूखा मर जाएगा, देश में भूखमरी आ जाएगी, एक आम आदमी की
इन्होंने कमर तोड़ दी और जो हमारे किसान भाई है उनको इन्होंने तोड़ के रख दिया। इतनी सर्दी में बाहर सड़कों पर पड़े हैं, वो पानी की बौछार कर रहे हैं उनको और उनकी मानने नहीं मांग रहे। अपने तीन काले कानून जो पास करे चुपचाप आकर उनको मान लिया जाए कि मैं इनको नहीं पास करता, मैं इनको कैंसिल कर देता हूँ। और हमारे किसान भाई तो इतने बोले वाले हैं, ये एक मिनट में मान जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे भारत माता की वीर सपुत्र सीधे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी 23 जनवरी 1897 उनका जन्म स्थान हुआ था। वो भी अपनी एक जिंदगी अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकते थे, पर उन्होंने अपने देश अपनी माता की आज़ादी के लिए एक क्रांतिकारी लहर चलाई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वो ऐसी क्रांतिकारी जो अंग्रेजों के जो जालिम सरकार थी उनके नाक में दम करके रखा और देश की आज़ादी के अंदर उनकी अहम भूमिका रही, एक लोगों के अंदर एक आवाज़ पैदा करी भी हम देश की आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं और इनको यहाँ से भगा के हमारी भारत माता को इज्जत आदर मान सम्मान को भरपूर तरीके से उन्होंने किस तरह मान सम्मान दिया और इस देश की आज़ादी के अंदर अहम भूमिका निभाई। ये भारत पूरे तय वर्ष जय जिंदगी वर्ष उनका हमेशा कर्जदार रहेगा। इंद्रपाल सिंह। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।